बोकारो जिले के घरवा टाड़ पंचायत निवासी शहीद विनोद यादव ने लगभग 3 साल तक सीआरपीएफ 74वीं बटालियन में अपनी ड्यूटी दी थी। बता दें कि ड्यूटी के दौरान 4 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके शहीद होने के 2 दिनों बाद ही झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद विनोद यादव के घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से शहीद पर आश्रितों को राज्य में नियोजन के साथ साथ एक पेट्रोल पंप दिलाने और आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन आज तक धरा का धरा ही रह गया। इधर इन दिनों शहीद विनोद यादव के परिवार की जिंदगी काफी कठिनाइयों में कट रही है। पेट्रोल पंप और आर्थिक सहायता राशि देने की बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में शहीद की पत्नी अंजू देवी ने नम आंखों से बताया, कुछ भी नहीं मिला हमको, सीआरपीएफ की तरफ से मिला जो भी पैसा था वो हमको सारा कुछ मिल गया, बस खाली हमको नौकरी ही नहीं मिला। और सरकार तो बोला था कि पेट्रोल पंप देंगे, जमीन देंगे और कुछ देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं किया। हेमंत सोरेन की बोल के घर आके बोल के गए थे, नहीं हुआ, नहीं कुछ ही तरह कोई नियोजन नहीं मिला, नहीं। झारखंड सरकार भी नहीं दिया, और ये सीआरपीएफ हेमंत सोरेन के पास एक बार गए, फिर कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर लमुंदर के पास भी जाते जाते थक गए, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, हो रहा है हो भी नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे। मेरे लिए वो भूख हड़ताल भी किए, फिर भी कौन भूख हड़ताल किए थे, डॉक्टर लमुंदर सर भूख हड़ताल किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुबोध कांत सहाय उनके घर पर आए थे। उन्होंने वादा किया था कि नियोजन, एक पेट्रोल पंप और आर्थिक सहायता राशि देने की भी बात कही थी, मगर अभी तक परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिला है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुकी हैं, मगर बाबुओं के कान में जू तक नहीं लेंगती। पता नहीं सरकार उनकी सुध कब तक लेगी। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने उनके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए शहीद के बच्चों को तेनुघाट डीएवी में निःशुल्क शिक्षा दिलाने में मदद की। सरकारी सहायता के लिए उन्होंने शहीद के परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी गए, उनकी मांगों के लिए विधानसभा में भूख हड़ताल भी किया, मगर कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो सका। वहीं शहीद विनोद यादव की मां ने बताया कि बेटे के शहीद होने के बाद उनके पति विशेश्वर यादव की भी मृत्यु हो गई। 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। शहीद हो चुका बेटा ही घर चलाता था, उसके चले जाने के बाद परिवार काफी मुसीबतों का सामना कर रहा है। वो लोग सरकारी बाबुओं के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते अब थक चुके हैं, फिलहाल खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोमिया से संजय कुमार की रिपोर्ट।